फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इसी आज आप लोग सभी के लिए जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक लाई हूँ। ये ट्रिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ, ये आने वाले सारे एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ, इससे संबंधित जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी जो हमारे भारत की नदियां हैं वो गिरती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लाया है, ठीक है। मैं क्या क्यों एक ट्रिक लाई हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप मरते दम कभी नहीं भूलिएगा कि बंगाल की खाड़ी में जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं कौन कौन सी है वो गिरती है। तो ट्रिक क्या है, वीडियो को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं, ट्रिक हमारा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत जो ब्रह्मा की गोद में गंगा, क्या है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। देखिए, आपको पता हो कि ब्रह्मा कहाँ रहता है, तो ब्रह्मा जो है शिव जी के जटा में रहते हैं। लेकिन आपको एक फैक्ट बता देती हूँ, जब शिव भगवान गंगा को अपने जटा में धारण कर रहे थे तो गंगा माँ को पहले ब्रह्मा के कुंडल में प्रवेश करना पड़ा था। उस कुंडल के द्वारा शिव जी के जटा में प्रवेश की थी गंगा। तो क्या हमारा ट्रिक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। अब देखिए क्या है, ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा नदी, ब्रह्मा से ब्रह्मा नदी, की से कृष्णा नदी और कावेरी नदी, गोद से गोदावरी नदी, म से महानदी, ग से गंगा नदी, ब से ब्रह्मा नदी, की से कृष्णा और कावेरी नदी, गोद से गोदावरी नदी, मे से महानदी, गंगा से गंगा नदी। ये हमारा हो गया ट्रिक, गंगा की गोद में ब्रह्मा की गोद में गंगा ट्रिक। अब मैं आपको इस ब्रह्मा नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा नदी, ये नदी का उद्गम जो होता है वो किस किस राज्य से होता है और कहाँ से होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में किस किस राज्य से प्रवेश होती हुई जाती है, वो मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी, ताकि आपको मैप के थ्रू से बताने पे आपको कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं कि किस किस राज्य से निकलती है और ये कैसे गिरती है और इसका नाम परिवर्तित कैसे होता है। तो पहले मैं लेती हूँ गंगा नदी। गंगा नदी जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमखंड कहाँ है, वो हमारा उत्तराखंड में है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमखंड से निकलती हुई, वहाँ से बहती हुई, ये यहाँ से बहती हुई कहाँ जाती है, प्रवेश करती है, तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इनका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। ये उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इनका नाम हो जाता है दिहांग नदी इनका नाम पड़ जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए जब ये असम में प्रवेश करती है तो इनका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। असम से प्रवेश करते हुए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इनका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इनका नाम जमुना नदी। और लास्ट में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और गंगा नदी भी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से ये आपस में इनका मिलन होता है। तो ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से जब
बांग्लादेश में इनका जब मिलन होता है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, ये नदी मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये नदी किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम होता है बांग्लादेश में, ये नदी जब प्रवाहित होती है तो इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश से प्रवेश करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, एक चीज और क्या है, एक है बंगाल की खाड़ी, एक है अरब सागर और एक यहाँ हमारा होता है हिंद महासागर। तो ठीक है, आप जस्ट आप मैप को अपने सामने रख लीजिए, आंखों के सामने। तो आपका दायां साइड क्या होता है, बंगाल की खाड़ी होता है, आपका बायां साइड होता है अरब सागर और आपके पैर के नीचे होता है हिंद महासागर। ये आपको मैं ऐसा ट्रिक बताई हूँ जो कि आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है। तो उसमें से पहली है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक क्या है, महाराष्ट्र में एक जिला है और नासिक तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हुई ये क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी भी हमारा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हुई ये भी हमारी क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट हमारा हो गया कावेरी नदी। क्या है ये कावेरी नदी, कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद की एक कड़ी है। ठीक है, वो आपस में विवाद है, वो बोलता है कि ये हमारा जो नदी है इस पे बांध मेरा बनेगा और ये तमिलनाडु बोलता है कि हमारा जो ये नदी इस पे बांध हमारा बनेगा। तो ठीक है, ये विवाद हमको नहीं देखना है, हमको देखना है कि कौन कौन सी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती हुई ये तमिलनाडु में जाती है और तमिलनाडु से ये प्रवेश करते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट हमारा हो गया महानदी। ठीक है, महानदी नाम भी कितना क्यूट है, महानदी। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहवा, कौन सा, ये सिहवा पहाड़ी से निकलती हुई ये उड़ीसा में प्रवेश करती, ये कहाँ प्रवेश करती है, उड़ीसा में प्रवेश करती हुई उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और साथ ही दोस्त, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये महानदी पर ही बना हुआ है, महानदी पर ही बना हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये जीके का ट्रिक पसंद आया हो तो इस जीके को ट्रिक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि इस जीके ट्रिक मैं जो आपके लिए लाई हूँ आपके लिए कितना हेल्पफुल है। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो ट्रिक लाई हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मेहनत मैं करूँगी, तैयारी आपकी होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी उसमें आपके लिए मैं ऐसे अच्छे से ट्रिक लाऊंगी जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।